Lamborghini Aventador, Ferrari 488 GTB, McLaren 720S, Bugatti Chiron और Porsche 911 GT2 दुनिया की बेस्ट सुपरकार्स हैं। इनको इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में असेंबल किया जाता है, जहां इनके कंपनी हेडक्वार्टर्स हैं। इंडिया की बात करें तो DC Avanti देश की पहली सुपरकार थी। 2012 में दिल्ली ऑटो एक्सपो में अनवील होने के 3 साल बाद इसकी सेल्स शुरू हुई और 2020 तक सिर्फ 127 कार्स ही बिकी थी, जो कि बहुत कम है। फरारी और लैम्बोर्गिनी भी इधर सिर्फ 30-40 गाड़ियां ही बेच पाती हैं एक साल में। इंडिया की कार मार्केट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है 42.5 लाख व्हीकल सेल्स के साथ, और सबसे ज्यादा अमीर लोगों की लिस्ट में भी इंडिया तीसरे नंबर पर आती है। 81,000 लोग साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स पे करते हैं, इसके बावजूद हमें इंडिया में ज्यादा सुपरकार्स देखने को क्यों नहीं मिलती? इंडियन कार मेकर्स भी सुपरकार्स क्यों नहीं बनाते? इनके बारे में जानने के लिए थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। सुपरकार टर्म पहली बार इस्तेमाल की गई थी 1960s में। ये एक स्ट्रीट लीगल हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार को डिस्क्राइब करती है, जो यूजुअली व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का फ्लैगशिप मॉडल भी होता है। इन कार्स में मोटर स्पोर्ट्स जैसे फॉर्मूला 1 से डिराइव करके कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, जैसे फरारी 458 इटालिया और मैकलेरन 720S। सुपर कार्स को स्पीड, पावर और स्टाइल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। लिमिटेड प्रोडक्शन वैल्यू इन्फ्लेट करने में हेल्प करता है, जिससे ये बहुत रेयर लग्जरी कमोडिटीज बन जाती है कस्टमर्स के लिए। कई ओल्डर पॉपुलर कार्स तो कलेक्टेबल आइटम्स भी बन गई हैं, जो आज ज्यादा में बिकती हैं अपने ओरिजिनल प्राइस से। लैम्बोर्गिनी म्यूरा को फर्स्ट स्पोर्ट्स कार कहा जाता है। 1966 से 73 के बीच 764 यूनिट्स बनाए गए थे इसके। 1970s और 80s में सुपरकार टर्म बहुत कॉमन हो गई। इसकी एक इंटरप्रिटेशन थी कि कोई भी मिड इंजन 2 सीट गाड़ी जिसमें कम से कम 8 सिलेंडर इंजन हो, मगर टिपिकली V12 इंजन, 400 ब्रेक हॉर्स पावर और टॉप स्पीड हो कम से कम 290 किलोमीटर पर आर की, उसे सुपरकार कंसीडर किया जाएगा। मगर कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन स्टिक नहीं कर पाई। लैम्बोर्गिनी म्यूरा के बाद कई और आइकॉनिक सुपरकार्स देखने को मिली 1960s और 70s में। फरारी 365, GTB 4 डेटोना, लैम्बोर्गिनी कुंटाश और पोर्शन 911 टर्बो। 1980s में पोर्शन 959 और फरारी F40 परफॉर्मेंस और स्पीड को नेक्स्ट लेवल पे ले गई। 1990s में फरारी F50 और मैकलेरन F1 स्टेटस सिंबल उभर के आई और काफी सॉट आफ्टर कलेक्टर्स आइटम भी बन गई। होंडा NSX पहली हाइब्रिड सुपरकार भी अनवेल की गई, जिसने कार एंथुजियास्ट को काफी एक्साइटेड कर दिया। 2000s में नई ब्रीड की सुपरकार्स देखी गई, जिन्हें अब हाइपर कार्स भी कहा जाता है। बुगाटी वेरॉन और कनिग्सेग CCX ने परफॉर्मेंस की लिमिट्स को पुश किया। पगानी और स्पाइकर जैसे नए सुपरकार मैन्युफैक्चरर्स भी फील्ड में उतरे। आज भी सुपरकार्स परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और डिजाइन की बाउंड्रीज पुश कर रही है हर नए मॉडल के साथ। बुगाटी कायरॉन दुनिया की फास्टेस्ट कार है। 489 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड के साथ इतनी फास्ट है कि कोई भी टायर इस स्पीड पे स्ट्रेस नहीं झेल सकता और फट जाएगा, इसलिए इसकी स्पीड 380 किलोमीटर पर आर तक लिमिट की गई है प्रोडक्शन कार्स में। इसको 2016 में लॉन्च किया गया क्वाड टर्बोचार्ज्ड 8 लीटर W16 इंजन के साथ, जो 1500 हॉर्स पावर आउटपुट कर सकता है। इसके अलावा लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, फरारी 488 GTB, मैकलेरन 720S और पोर्शे 911 GT2 RS सारी बेस्ट सुपर कार्स में से हैं प्रेजेंटली। इटली ऐसी कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर कार्स बनाती है। सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स इधर बेस्ड हैं, जैसे फरारी, लैम्बोर्गिनी, माजेराटी और पगानी। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी आते हैं इस लिस्ट में, मगर इंडिया कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। इसके कई रीजंस हैं, जैसे सुपरकार्स बनाने के लिए हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होती है डिजाइन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, जो इंडिया लैक करती है। वैसे तो रिसेंट ईयर्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इन चीजों में, मगर अभी भी उतनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है एक सुपरकार बनाने के लिए। इसके अलावा करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी, कई इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को सालों लगेंगे कार कॉन्सेप्ट, डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने में, जिसका शायद इतना रिटर्न भी ना दिखे। तो इसलिए ऐसा सिर्फ बड़ी कंपनीज ही कर सकती हैं, किसी स्टार्टअप के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज की भी कमी है, जो मुझे थर्ड पॉइंट पे ले आता है, लैक ऑफ डिमांड। सुपरकार्स एक नीश प्रोडक्ट है जो बहुत छोटे सेगमेंट को केटर करता है मार्केट के। हालांकि अमीर लोगों की संख्या स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन सुपरकार्स की इतनी डिमांड देखने को नहीं मिल रही। मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा डिमांड के लिए, मगर डिमांड के बिना मार्केट डेवलप नहीं होगी। और अगर कोई ब्रांड इंडिया के बाहर भी सुपरकार्स बेचना चाहे, तो उससे पहले इंटरनेशनल सुपरकार्स से कम्पीट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। उसके बाद सालों लगाकर ब्रांड को ग्लोबल रिकॉग्निशन और रेपुटेशन अर्न करनी पड़ेगी। 99% कंपनीज बैंकक्रप्ट हो जाएंगी तब तक। इन सब पॉइंट्स का ये मतलब नहीं है कि इंडियन कंपनीज ने ट्राई नहीं किया। कुछ अटेम्प्ट्स किए गए हैं सुपरकार्स बनाने के। DC डिजाइन, जो कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया की कंपनी है, देश की पहली सुपरकार बनाई थी अवांटी। 2015 से 20 तक 127 कार्स बिकी, मगर कोई फ्रॉड चार्जेस की वजह से दिलीप छाबड़िया को जेल में डाल दिया गया 2020 में। इंडिया के दोनों मेन कार मेकर्स के पास भी अपने सुपरकार ब्रांड्स हैं यूरोप में। महिंद्रा के पास है जर्मनी की ऑटोमोबिली पिनिनफरीना और टाटा के पास है UK की जैगुआर लैंड रोवर। जैसे हमने पहले देखा कि इंडिया में ऑटोमोटिव मार्केट भी है और कई करोड़पति भी हैं, फिर भी ज्यादा डिमांड क्यों नहीं दिखती? इसके भी कई रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला है सुपर एक्सपेंसिव या ओवरवैल्यूड। अगर कोई बिजनेसमैन 2 से 3 करोड़ की टोयोटा लैंड क्रूजर,
मर्सिडीज माइबाक एस क्लास या रेंज रोवर वोग खरीद सकता है तो वो एक सुपर कार भी आसानी से अफोर्ड कर सकता है। कंपैरिजन के लिए 2015 से 22 तक 700 से ज्यादा माइबाक्स बिकी हैं देश में, काफी ज्यादा है फरारी, लैम्बोर्गिनी और डीसी से। इसलिए प्रॉब्लम पैसे से ज्यादा है वैल्यू की। इंडियंस लग्जरी कार्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं सुपर कार से, उनसे ज्यादा वैल्यू मिलती है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया में सुपर कार्स अमेरिका या यूरोप से दुगने रेट पर मिलती हैं। जैसे BMW Z4 का प्राइस है 50 लाख रुपए US में और इधर है 80 लाख रुपए। रीजन है हाई कस्टम ड्यूटी प्लस शिपिंग कॉस्ट्स। कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स CBUs का टैक्स रेट सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। सुपर कार्स की कॉस्ट के ऊपर 1-2 करोड़ रुपए लग जाते हैं सिर्फ टैक्सेस में। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा है इंडिया में। दूसरा रीजन है मेंटेनेंस। कटिंग एज टेक्नोलॉजी और रेस कार स्पीड्स के साथ सुपर कार्स ईज ऑफ मेंटेनेंस या रिलायबिलिटी के लिए नहीं जानी जाती। काफी ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं जिनको रिपेयर करना किसी लॉजिस्टिकल नाइटमेयर से कम नहीं है। ना के बराबर सर्विस सेंटर्स और स्पेशलाइज्ड मैकेनिक्स मौजूद हैं। मेजर सिटीज में भी काफी कमी है इनकी। हर स्पेयर पार्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, कई बार तो मैकेनिक को भी बुलवाना पड़ता है दूसरी सिटी या कंट्री से। इन सब में लाखों रुपए और महीनों का टाइम लग जाता है। छोटी से छोटी चीज जैसे पेंट स्क्रैच रिपेयर या विंडशील्ड वाइपर रिप्लेस करना भी एक बड़ा टास्क होता है। अगला रीजन है रोड्स। सुपर कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है, इसीलिए इनके लिए स्मूथ इवन रोड्स चाहिए होती हैं कम से कम ऑब्स्टिकल्स के साथ। दिल्ली या चेन्नई ओनर्स के पास एटलीस्ट ऑप्शन है रेस ट्रैक्स में जाने का, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और मैड्रास मोटर रेस ट्रैक या नए एक्सप्रेसवेज भी जॉय राइड के लिए सूटेबल हैं, मगर दूसरी सिटीज में ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सुपर कार्स को हैंडल करने के लिए। अगर ओनर्स को रेस ट्रैक या एक्सप्रेसवे तक जाना भी हो तो सिटी रोड से होकर जाना पड़ेगा, जहां सुपर कार चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हजारों स्पीड ब्रेकर्स और पॉटहोल्स भरे हुए हैं हर जगह, जो गाड़ी को बहुत डैमेज करने के लिए काफी है। इसलिए कई ओनर्स गाड़ी को टो करवाते हैं रेस ट्रैक तक। रोड्स के अलावा सुपर कार्स के हाई परफॉर्मेंस इंजन लो ग्रेड या एडल्ट्रेटेड फ्यूल नहीं हैंडल कर पाते, इंजन कॉन्क ऑफ या सीज कर जाएगा। ज्यादातर पेट्रोल पंप्स अपनी हाई क्वालिटी फ्यूल के लिए तो ज्यादा फेमस नहीं है। या तो ओनर्स को सुपर रिलायबल पंप्स ढूंढने पड़ेंगे या अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल बॉटल में कैरी करना पड़ेगा। पार्किंग स्पॉट्स इजीली नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो वो अपने आप में करोड़ों कॉस्ट करते हैं मेजर सिटीज में। और अगर घर में या उसके पास स्पेस मिल भी गई तो कहीं बाहर विजिट करना काफी मुश्किल है, वहां पार्किंग नहीं मिलेगी। ये दिक्कत ज्यादा है रेगुलर कार से, क्योंकि पब्लिक पार्किंग में ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गाड़ी ना छेड़ दे। सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ते हैं गाड़ी के लिए। 5-स्टार होटल या हाई एंड रेस्टोरेंट के अलावा कहीं नहीं ले जा सकते अपनी मैक्लेरन को। इसी दिक्कत की वजह से कई ओनर्स सिर्फ जॉय राइड्स के लिए ले जाते हैं अपनी कार्स को रात में। प्रैक्टिकल नहीं होती सुपर कार्स, टू सीट्स, रॉक हार्ड सस्पेंशन और लिमिटेड लगेज स्पेस के साथ अनकंफर्टेबल, नॉइजी और बहुत लो फ्लोट भी होती हैं। लग्जरी SUVs या सेडान्स उसके सामने काफी ज्यादा प्रैक्टिकल दिखती हैं, ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उसे ओनर्स डेली कम्यूट, गोइंग आउट और रोड ट्रिप्स के लिए। इसीलिए कैन और पैनामेरा सबसे ज्यादा बेचती है पोर्शे इंडिया में। इंडियंस को प्रैक्टिकल गाड़ियां ज्यादा पसंद आती हैं, तब भी जब वो करोड़ों खर्च कर रहे हों। ज्यादातर बिजनेसमैन और एग्जीक्यूटिव्स किसी लग्जरी व्हीकल की बैक सीट ही प्रेफर करते हैं, चाहे वो BMW 7 सीरीज या रोल्स रॉयस हो। इसका एक बड़ा कारण है इंडियन रोड्स पर रेकलेस ड्राइविंग। तो बजाय के स्पोर्ट्स कार चला के एक्सीडेंट हो जाए, इससे अच्छा है किसी लग्जरी कार के पीछे ही बैठ जाओ। इंडियंस कंफर्ट और ईज ऑफ माइंड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं स्पीड और परफॉर्मेंस के सामने। सुपर कार्स और सुपर बाइक्स दोनों ही बहुत अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं। कुछ ओनर्स जो ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहते इससे दूर भागते हैं। रिपोर्टर्स और मीडिया से भी स्पेशल अटेंशन मिलती है। अब तो सोशल मीडिया की वजह से ये चीज और बढ़ गई है। स्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस वो ओवर स्पीडिंग पर ध्यान भी ज्यादा देते हैं जब कोई सुपर कार हो सामने। स्पीड लिमिट ऑलरेडी काफी लो होती है इंडिया की कई रोड्स पर। कुछ एक्सप्रेसवेज को छोड़ के 80 से 90 किलोमीटर पर आर से ज्यादा कहीं नहीं चला सकते। इंडियंस ने समझ लिया है कि ड्राइविंग का लुफ्त उठाने के लिए कोई सुपर कार की जरूरत नहीं है। मिड परफॉर्मेंस लग्जरी कार भी गुड एनफ फील दे देती है। इन सब पॉइंट्स के बावजूद कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं या उनके प्लान्स हैं। सबसे पहले टाटा से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा तो कई टेक्नोलॉजी भी उनके हाथ लगी, जिसे यूज करके वो अपनी कार्स को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही नई स्पोर्ट्स कार भी डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक सब ब्रांड टामो को लॉन्च किया 2017 जिनेवा मोटर शो में, जब एक स्पोर्ट्स कूपे रेसमो को अनवील किया गया। प्लान तो था 250 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, मगर कॉस्ट कटिंग की वजह से इसको हॉल्ट कर दिया गया। रेसमो के दो वेरिएशंस प्लान किए गए थे, रोड बेस्ड रेसमो और ट्रैक रेडी रेसमो प्लस। टाटा मोटर्स के अलावा मणिपाल में एक स्टार्टअप आया मीन मेटल मोटर्स के नाम से। इनका एम है इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक सुपरकार बनाने का, जिसका नाम है अजानी। कई इश्यूज और डिलेज के बाद अब उन्होंने अपनी लॉन्च 2026 की रखी है। कॉन्फिडेंस लो है, देखते हैं कि ये हो भी पाता है या नहीं। 90 लाख रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, 1000 हॉर्स पावर, 570 किलोमीटर की बैटरी रेंज, 0 से 100 किलोमीटर पर आर 2 सेकंड में और 320 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड प्रॉमिस की गई है अजानी की। एक और स्टार्टअप वजीरनी ऑटोमोटिव ने अपनी हाइब्रिड सुपर कार का कॉन्सेप्ट 2018 गुडविल फेस्टिवल ऑफ स्पीड में अनवील किया था। इनकी प्रोग्रेस भी अभी अननोन है। वर्ल्ड वाइड सुपर कार्स नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर चुकी हैं, जिनमें अब प्राइमरीली हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इस्तेमाल होती है। 2013 मैक्लेरन P1, पोर्शे 918 स्पाइडर और ला फरारी से हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ और 2016 की कॉनिग्जेक रिगेरा, 2017 मर्सिडीज AMG 1, 2019 फरारी SF90 स्टडाले और मैक्लेरन स्पीड टेल इसको नेक्स्ट लेवल पर ले गई।
इनके लिए रिसेंटली इंट्रोड्यूस टर्म यूज होती है हाइपर कार्स। ये सुपर कार्स में भी हाईएस्ट परफॉर्मिंग और टॉप ऑफ द लाइन कार्स होती हैं, जो यूजुअली लिमिटेड प्रोडक्शन के साथ $1 million से भी ज्यादा कॉस्ट करती हैं। कई लोग 1993 मैक्लेरन F1 या 2005 बुगाटी वेरॉन को फर्स्ट हाइपर कार कंसिडर करते हैं। अब फ्यूचर में धीरे धीरे सारी सुपर कार्स फुली इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, जैसे पिनिनफरीना बटिस्टा, नियो EP9, रिमैक नेवेरा और लोटस एविया। नेक्सॉन इंडिया की बेस्ट सेलिंग SUV कैसे बन गई, ये देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।